हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने स्लीव्स को कटिंग किया हुआ है। तो अभी मैं इसको डिजाइन करूँगी। तो डिजाइन के लिए देखिए, पहले जो हमने स्लीव्स काटी हुई है उसको हम पहले ऐसे करके आधा आधा इंच फोल्ड कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद इस पे अपनी डोरी लगाएंगे। तो देखिए अभी मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी दोनों स्लीव्स को अंदर कर फोल्ड कर लिया है। उसके बाद अभी मैंने ये क्रेप की पट्टी ली हुई है, तो जिसमें हम डोरी बनाएंगे। तो देखिए अब मैं इसे डोरी बनाती हूँ। तो डोरी बनाने के लिए लगभग हमें 1 इंच की पट्टी लेनी होती है। तो या तो अगर सीधी पाइपिंग निकालनी है आपको तो उसमें आप सीधी ले सकते हो, या फिर आप उसमें क्रेप की साइड भी पट्टी काट सकते हो। तो देखिए अब मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों डोरियों को स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सुई की मदद से सीधा करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सुई को हम कॉर्नर में ऐसे करके लगाएंगे। तो उसमें हम ऐसे 2 बार सुई को लेंगे। उसके बाद जो हमने सिलाई की है तो उसके बीचों बीच हम अपनी सुई को लेके जाएंगे। सुई को कपड़े के अंदर फंसने नहीं देना है, सुई को बिल्कुल सीधा निकालना है। तो देखिए ऐसे करके मैं इसको पूरी को निकाल लूँगी। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब देखिए हम इसको ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो ये बहुत इजीली बन जाती है ऐसे करके इसको पूरे को, ये देखिए ऐसे खींचते हुए, और धागे को आगे टाइट पकड़ के रखना है। और ऐसे करके हम अपनी पूरी डोरी को सीधा कर लेते हैं। ये हमारी डोरी सीधी हो चुकी है। ऐसे ही करके हम अपनी दूसरी वाली को भी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी बारीक पाइपिंग वगैरह बनी है। तो ऐसे ही करके हम अपनी दूसरी को भी सीधी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी दोनों डोरी सीधी हो चुकी है। अब हम इसको अपनी स्लीव्स में अटैच करते हैं। अब हम अपनी स्लीव्स पे पहले 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हम डोरी लगाएंगे वो 1.5 इंच की दूरी पर लगाएंगे। तो ऐसे नापते हुए 1.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, तो हम पूरी स्लीव्स पे ऐसे करके निशान लगा लेते हैं, तो उस पर हम अपनी डोरी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सभी निशान लग चुके हैं। अब हम इस पर जो निशान हमने लगाए हैं इस पर हम अपनी डोरी लगाते हैं। तो डोरी के हम छोटे छोटे लूप काट लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम इसमें अटैच करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, सभी डोरी मैंने काट ली है। अब हम इनको अटैच करते हैं इस पर। तो अभी देखिए मैं इनको काउंट कर रही थी कितनी हमारी डोरी लगेगी। तो जो एक कम पड़ी थी वो मैंने बाद में बना ली थी। अब हम इसको अटैच करते हैं। ऐसे करके देखिए हम सारी डोरी एक एक करके अटैच कर लेते हैं। ये देखिए इसको डबल करके और जो हमने निशान लगाया है उस पर लगाते चलेंगे। फ्रेंड्स ये डोरी लग चुकी है, ये देखिए ऐसे करके। अब जो दूसरी डोरी लेंगे वो हम इसके अंदर से लेंगे। तो ये देखिए उसके अंदर से लेते हुए और जो हमारी स्लीव्स का दूसरा पार्ट है उस पर हम ऐसे करके अटैच कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी एक स्लीव्स रेडी हो चुकी है। ये देखिए अब जो साइड में है, जो नीचे है, इसमें थोड़ा स्लीव्स मुझे छोटी लग रही थी, तो उसमें ऐसे करके मैं ये ऐसे करके इसको जॉइंट करूँगी।
तो ये देखिए बाकी स्लीव्स का जो डिज़ाइन है ये हमारा रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव्स भी अपनी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी है। ये देखिए, तो मैंने आगे वो डेढ़ इंच का कपड़ा ज्वाइन कर दिया है। तो मुझे जितनी स्लीव्स चाहिए थी उतना मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए ऐसे करके दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सा है और ये बहुत सुंदर डिज़ाइन है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।